नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परशुराम जयंती महोत्सव 2023 के पावन पर्व पर सर्व ब्राह्मण महासभा समिति बूंदी द्वारा सामान्य चिकित्सालय बूंदी के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान के दौरान सर्व ब्राह्मण समाज के युवक एवं युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओ आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। है सुरक्षित रखना हमको अपना नेशन, आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। ओ आओ मिलकर आज करें हम ब्लड डोनेशन। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के आयोजन क्रम में सर्व ब्राह्मण महासभा बूंदी द्वारा ये रक्तदान शिविर यहाँ लगाया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय आयोजन इनके द्वारा किया गया है। रक्तदान ऐसा काम है जो हमेशा पुण्य का काम रहा है और आदमी का जीवन बचाने के लिए हमेशा रक्त की जरूरत पड़ती है और बूंदी ब्लड बैंक में हमारे हमेशा रक्त की कमी रहती है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि लोगों की जान बच सके। और जो रक्त ऐसा काम है जो कहीं भी किसी भी प्रकार से कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता, रक्त की पूर्ति रक्त से ही हो सकती है। तो ये बहुत ही सराहनीय आयोजन सर्व ब्राह्मण महासभा की युवा शाखा और समस्त साथियों द्वारा किया गया है। जो भी आज यहाँ रक्त दे रहा है उनके भी सबको आभारी है, सब हम सब लोग, कि उन्होंने एक ऐसा पुण्य का काम को कर रहे हैं जिससे मानव का जीवन बच सकेगा। और मैं तो यही अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में सब युवा और दूसरे लोग अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। आज भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के तहत बूंदी ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और युवा साथी बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। वास्तव में रक्तदान जीवनदान है, रक्तदान महादान है और जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के हैं और स्वस्थ हैं उनको वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्राह्मण महासभा युवा शाखा के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने जयंती महोत्सव के तहत ये मानव सेवा का कार्य आयोजित करने का निर्णय लिया, क्योंकि रक्तदान ऐसा काम है कि ये कि जिस जाति का बंधन नहीं है, समाज का बंधन नहीं है, ये मानव मात्र की चाहता है। और रक्त भले से सारा विज्ञान अपनी उस पर प्रगति पर गर्व कर ले, लेकिन रक्त की एक बूंद
आज तक का विज्ञान नहीं बना पाया। ये रक्त मनुष्य की धमनियों में बनता है, मनुष्य के शरीर में बनता है और ये जीवन देता है। जब किसी को रक्त चाहता है तो उसकी धमनियों में प्रवाहित होकर जीवन का काम करता है। तो रक्तदान शिविर के आयोजन पर जिन्होंने भी रक्तदान किया है उनको बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत अभिनंदन और आयोजकों का भी बहुत बहुत साधुवाद अभिनंदन कि परशुराम जयंती महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने मानव सेवा का ये कार्य हाथ में लिया जिस जो सभी के लिए जीवन देने वाला है। धन्यवाद। जय परशुराम। आज भगवान परशुराम जी जयंती के उपलक्ष्य में सर्व ब्राह्मण महासभा युवा शाखा द्वारा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, मैं इस शिविर की पूरी पूरी प्रशंसा करूँगा, क्योंकि रक्त जो मानव मात्र की सेवा के लिए, जीवन बचाने के लिए, असमय दुर्घटनाओं में, थैलेसीमिया में, बीमारी में, विभिन्न ऐसी अवस्था होती है किसी के प्रेगनेंसी में जब परिवारजन मौजूद नहीं हो उस समय जीवन बचाता है, तो ऐसे शिविरों में किया गया रक्तदान, इसकी भूमिका बहुत महती होती है। रक्त न तो किसी दवा की दुकान पर मिलता है, न इसे किसी फैक्ट्री में पैदा किया जा सकता है, न कृत्रिम रूप से कोई उत्पादन हो सकता है। रक्त नौजवानों की धमनियों में, शिराओं में दौड़ने वाला वो जज्बा है और ईश्वर ने युवाओं को ये जज्बा प्रदत्त किया है, तो हमें उत्साहित होकर अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। हर व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को साल में कम से कम 3 बार रक्तदान करना चाहिए, इससे उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, रोगों से भी दूर रहेगा, नया रक्त शरीर में प्रवेश होगा, शरीर आपको ऊर्जावान महसूस होगा। और आज जो ये शिविर लगा है इसके लिए मैं युवा शाखा सहित सारे पदाधिकारी और यहाँ रक्तदान करने वाले प्रत्येक युवक युवतियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने रक्तदान की मुहिम में अपनी आहुति भी, अपना योगदान दिया। सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद।